रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। भारत खिताबी मुकाबले से पहले एक भी मैच नहीं हारा था, मगर एक खराब दिन की वजह से टीम इंडिया चैंपियन बनने से चूक गई थी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान रोहित की कप्तानी की जमकर तारीफ हुई थी। बीसीसीआई ने पिछले दिनों वर्ल्ड कप फाइनल की हार की समीक्षा की और आगे की योजनाओं पर विचार किया। हालांकि अभी तक यह नहीं तय हो पाया कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा। रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से ही कोई टी20 मैच नहीं खेला है। वहीं हार्दिक पांड्या चोट के चलते बाहर चल रहे हैं। ऐसे में फिलहाल टी20 टीम की कमान सूर्य कुमार यादव ने संभाली हुई है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने WPL ऑक्शन के दौरान भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2024 के कप्तान को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शनिवार को मुंबई में WPL नीलामी के दौरान ये मौके पर कहा, वर्ल्ड कप जून में शुरू हो रहा है, उससे पहले हमारे पास IPL और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है, हम एक अच्छा निर्णय लेंगे। वहीं रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टी20 टीम की कमान संभालने वाले हार्दिक पांड्या के फिटनेस अपडेट पर वह बोले, हम दिन प्रतिदिन के आधार पर उसकी निगरानी कर रहे हैं, वह NCA में है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, वह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले फिट हो सकता है। भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने इस टूर पर खेले जाने वाली लिमिटेड ओवर सीरीज में आराम लिया है। टीम इंडिया इस दौरे पर 3 अलग अलग कप्तानों के अंडर खेलेगी। टी20 की कमान सूर्य कुमार यादव के पास है, वहीं वनडे कमान KL राहुल और टेस्ट कमान रोहित शर्मा करेंगे। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए कुल 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम टी20, वनडे और टेस्ट तीनों स्क्वाड में हैं।